नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। स्वतंत्र देव सिंह का आज वृंदावन में कार्यक्रम। स्वतंत्र देव सिंह सुबह 10 बजे से पार्टी पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। जल जीवन मिशन योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। आंध्र और उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा चक्रवात, आसानी सभी पुलिस स्टेशनों में हाई अलर्ट। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की आज बैठक, राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधान भवन में 12 बजे करेंगे बैठक। स्पीकर महाना 1:30 बजे टंडन हॉल में प्रेसवार्ता भी करेंगे। रामपुर में ईडी ने आजम की कब्जाई जमीन का ब्यौरा मांगा। आजम के खिलाफ दर्ज जमीन संबंधी प्रकरणों का विवरण तलब। तहसीलदार सदर ने गठित की 9 सदस्यीय टीम। आज 11 बजे टीम करेगी मौका मुआयना, तैयार करेगी रिपोर्ट। देहरादून चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी के निर्देश। चारधाम में तीर्थयात्रियों को पंजीकरण अनिवार्य करना होगा, सभी पुलिस चौकियों को निर्देश। सीएम धामी ने नियमित जांच के निर्देश दिए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। प्रशासन ने युवक की हत्या के बाद तनावपूर्ण स्थिति के चलते लगाई रोक। शिमला के पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन, दिल्ली एम्स में थे भर्ती। भारत ने कहा राजपक्षे परिवार के देश में शरण लेने की खबर अफवाह, सेना ने गोली मारने वाले आदेश को गलत बताया। पटना के विश्वेश्वरैया भवन की तीसरी मंजिल में लगी आग, फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब पुलिस पर रॉकेट अटैक में खुलासे, रूसी अटैक लॉन्चर का इस्तेमाल, पाकिस्तान बैठा गैंगस्टर मास्टरमाइंड, रिकॉर्ड तबाह करने का मकसद था। आज बढ़त के साथ खुले बाजार, सेंसेक्स 180 पॉइंट की बढ़त के साथ 54,544 अंक पर खुला। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।